आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और टाइपिंग की तैयारी में जुट चुके होंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम 2019 की जो परीक्षा हुई थी, आज हम उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट करके अपने नंबर भी बताएं, किसी के 160 180 नंबर तक लोगों के चढ़े हैं और बाहर भी बहुत लोगों से बातचीत हुई। कुछ मेरे भी परिचित लोग हैं जो ऐसे हैं जो 170 175 180 क्वेश्चन तक करके आए हैं। और जैसा कि पेपर का लेवल तो हर किसी को पता चल गया था कि मीडियम का लेवल का पेपर था, और आजकल जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी कम नहीं है पढ़ने वाले लोगों की। और जो है आप रिज़ल्ट उठा के देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट का जो फाइनल सिलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया उसमें 90 डेट ऑफ बर्थ से लेकर के 97 डेट ऑफ बर्थ के अभ्यर्थी जो है लगभग 80% से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो नए जनरेशन के जो अच्छी तैयारी वाले हैं और ऑलराउंडर जिसको कहा जाए, हर तरह की तैयारी उनकी है। अंग्रेज़ी, मैथ, रीजनिंग सब एकदम अच्छी तरह से तैयारी है उनकी, और कट ऑफ किसी भी परीक्षा की कम नहीं जा रही है। तो साथियों, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया गया है लोगों के विचार विमर्श के बाद और बातचीत करने के बाद और लोगों के कमेंट्स को भी सुनने के बाद। तो आइए जानते हैं, लगभग 150,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। जैसा कि सभी लोगों ने पेपर में विज्ञप्ति आई थी, न्यूज़पेपर में आया था, पेपर के दूसरे दिन हर किसी को पता चल गया होगा। तो कट ऑफ का तो मैं बताने के वाला हूँ, और दूसरी बात यह है कि पेपर का लेवल जो था मीडियम का था, और जो क्वेश्चन थे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो इसके जो थे खाली टफ थे, बाकी पेपर तो इजी ही था। और 40 से 45 क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश तो टफ थी नो डाउट, और हिंदी जो ये जो है अंग्रेजी तो ठीक ही थी लेकिन थोड़ा टफ लेवल में थी, रीजनिंग टाइप की थी। और कंप्यूटर के क्वेश्चन तो काफ़ी टफ थे, और 15-16 क्वेश्चन जो है जीएस के वो काफ़ी टफ थे, उलझाऊ थे। तो लगभग 40 क्वेश्चन आप लोग ऐसे मान लीजिए कि ये थे, और कट ऑफ भी कम नहीं जाने वाली है। तो जो कट ऑफ मैंने बनाया है विचार विमर्श करके, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन जो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कट ऑफ यही लगने वाली है और कट ऑफ इससे कम नहीं जाने वाली है। तो साथियों, जो है जिन लोगों के इतने नंबर बन रहे हों, और रिव्यू मैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, और जनरल की जो कट ऑफ है, सामान्य जाति के अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है 145 प्लस माइनस 3 जिनके नंबर बन रहे हैं और वो एकदम अच्छी तरह से टाइपिंग में लग जाएं, और ओबीसी कैटेगरी के 147 प्लस माइनस 3 नंबर जिनके बन रहे हैं वो टाइपिंग में लगें, और एससी कैटेगरी के 135 नंबर जिनके बन रहे हों जो है प्लस माइनस 3 नंबर जो हों वो टाइपिंग में लगे एकदम अच्छी तरह से, एसटी कैटेगरी के जो हैं 125 नंबर जिनके बन रहे हों प्लस माइनस 3 वो लगें, और गर्ल्स कैटेगरी में 140 नंबर प्लस माइनस 3 जिनके नंबर बन रहे हैं वो टाइपिंग में अच्छी तरह से लग जाएं, और डीएफएफ कैटेगरी के जो हैं 134 नंबर जिनके बन रहे हों और प्लस माइनस 3 वो टाइपिंग में लग जाएं। तो साथियों, एक यह जो कट ऑफ आप लोगों को बताया जा रहा है, यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है बहुत विचार विमर्श करके। अब इस कट ऑफ का जो है कट ऑफ अगर इससे डिफरेंट आती है या यही कट ऑफ रहेगी तो उसमें नहीं है, एक अपना अनुभव बताया जाता है। बाकी कट ऑफ इसी कट ऑफ के ऊपर आप लोग न निश्चित रहिएगा कि प्राइवेट जी ने एक कट ऑफ बता दिया है तो वही उतनी ही जानी है, पता चला रिजल्ट आया तो उससे कम कट ऑफ गई या ज़्यादा कट ऑफ गई, आप लोग गाली गलौज करने लगे। तो ये एक संभावित कट ऑफ बनाई गई है और एक विचार विमर्श करके बताई गई। अब कोशिश यही की जाती है कि आप लोगों को जो बताई जाए कट ऑफ जो बताई गई लगभग ऐसे ही मैच होनी चाहिए जो बनाई गई है, और एक दावे के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। यह एक जो है एक्सपेक्टेशन किया गया है, इतना लोगों से विचार विमर्श करके राय मशवरा करके ये कट ऑफ बनाया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग टाइपिंग में अच्छी तरह से लग गए होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे टाइपिंग में। तो साथियों,
चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए और कट ऑफ के बारे में भी बताइए कि क्या ये कट ऑफ है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोगों को लगता है कितनी हद तक कट ऑफ सही लगती है आप लोगों को, तो अपने विचार जरूर बताइएगा। तो साथियों चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो बनता है ना यार।